एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इटावा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। यहां पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का काम किया, जो कि बिजली के टावर से लोहे के एंगल को चोरी करने का काम करते थे। इटावा जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के आदेश पर जनपद लगातार पुलिस काम करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा ही कुछ वैतपुरा इलाके में देखने को मिला, जहां पर पुलिस के द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का काम किया गया। बताते चले कि 6 अक्टूबर 2024 को वादी राजू कुमार अवर अभियंता 132 केवी जसवंत नगर के द्वारा वैतपुरा थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि सिपाही जसवंत नगर लाइन और सिरसागंज जसवंत नगर लाइन के दो टावरों से कुछ चोरों के द्वारा लोहे के एंगल को चोरी कर लिया गया है। इसी मामले को लेकर रेलवे की तरफ से भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि रेलवे के दो टावरों से 2 क्विंटल लोहा चोरी किया गया है। इस मामले को पुलिस के द्वारा गंभीरता से लिया गया व वैतपुरा पुलिस और सर्वेलांस टीम द्वारा आपराधिक सूचना मिली कि छिमारा तिराहे से जसवंत नगर के रेलवे क्रॉसिंग को जाने वाले रास्ते पर कुछ अभियुक्त खड़े हुए हैं, जिनके पास असला भी मौजूद है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, जहां पर अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर 3 फायर कर दिए जाते हैं। इसके बाद पुलिस घेराबंदी करते हुए तीनों को गिरफ्तार करने का काम करती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों को लेकर जानकारी दी गई और बताया गया कि हमारी पुलिस के द्वारा 10 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि टावरों से लोहे के एंगल को चोरी किया करते थे। 222 टावर के एंगल को बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछने पर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 5 तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा, 315 बोर, 10 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 पिस्तल, 32 बोर व 3 जिंदा कारतूस, 32 बोर बरामद किए गए। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग मिलकर पैसे के लालच के कारण योजना बनाकर चोरी करते हैं। हम लोग ठेकेदार के साथ जसवंत नगर क्षेत्र में टावर लगाने का काम करते हैं। पैसे के लालच में रेलवे व विद्युत के टावर से मेंबर एंगल व अन्य सामान की चोरी करते हैं तथा चोरी किए गए माल को हम लोग बनारस भेजते हैं। बनारस में हमारे पूरे माल को पप्पू और शहताज अहमद उचित धनराशि पर बेचकर हमसे पैसे देता है, जिसे आपस में बांट लेते हैं तथा बरामद तमंचा कारतूस अपराध कारित करने के उद्देश्य से पास रखते हैं। हमने वैतपुरा क्षेत्र में टावरों से जो माल चोरी किया था, उसे हमारे साथी जसवंत नगर रोड से बनामई जाने वाले रास्ते पर एक पिकअप एवं एक ट्रैक्टर में लेकर खड़े हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर 4 अभियुक्तगण दीपक पुत्र साधु, सुखदेव पुत्र राजपाल, सूरज पुत्र राम स्नेही तथा अंकित पुत्र राजकुमार को 222 टावर पीस एंगल लोहे के एक ट्रैक्टर ट्रॉली महिंद्रा पिकअप टाटा कंपनी एक दोरी तथा एक पाना सहित जसवंत नगर रोड से बनवाए जाने वाली रास्ते पर करीब 2 किलोमीटर आगे झाड़ियों की आड़ से गिरफ्तार किया गया। एनटीवी टाइम के लिए नितेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बैतपुरा थाना अंतर्गत छिमारा रोड पड़ता है, वहां पुलिस की एक मुठभेड़ हुई है। आज सुबह करीब 9:45 के बीच में जो है, और उसमें ये पता चला था कि एक पिकअप गाड़ी है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, उस पर जो है जो 132 केवीए का जो बिजली का टावर लगने का काम चल रहा है, उसमें जो एंगल लगते हैं जिससे टावर ऊंचाई प्राप्त करता है, उसी का जो कंट्रैक्टर है, उसके जो लोग हैं, उसके मजदूर हैं, बनारस से लेकर के इनका जो आजमगढ़ में भी काम किया इन्होंने, लखनऊ में काम किया इन्होंने, इन्होंने बनारस में काम किया है, इन्होंने शाहजहाँपुर में काम किया है और यहाँ भी काम कर रहे थे। तो जो कंट्रैक्टर इसका है, वो कंट्रैक्टर अपने ही मजदूरों के माध्यम से ये चोरी कराता था, और जो स्टोर यहाँ पर जसवंत नगर में बना हुआ है, उससे ये लोग जब एंगल लगाते थे तो फिर लगाने के बाद ये अपने रिंच से तथा गैस कटर इत्यादि से इन उनको लगाने के बाद काट लेते थे। लगभग 16 क्विंटल 2 स्थानों पर चोरी की गई थी, 2 टावरों में, उसमें 16 क्विंटल 14 क्विंटल एक जगह से, 2 क्विंटल और, तो 222 एंगल थे ऐसे जो चोरी किए गए थे, जो बरामद किए गए हैं इटावा पुलिस द्वारा। बैतपुरा थाना अध्यक्ष और उसकी टीम, एसओजी सर्विलांस की टीम पूरी लगी हुई थी, एसपी आरए और सीओ अंडर ट्रेनिंग इसमें काफ़ी बड़ा योगदान किए, पूछताछ की गई। 10 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 3 बनारस के रहने वाले हैं, और इसमें जो इसका पूरा घटनाक्रम का, इसमें जो मुखिया है सरताज पप्पू सरताज बनारस चोलापुर का रहने वाला है, तथा ये कंट्रैक्टर जो है वो शाहजहाँपुर का रहने वाला है। किस प्रकार से ये 2-3 जनपदों के रहने वाले जो व्यक्ति हैं, आपस में मैलिफाइड इंटेंशन से इस तरह से एंगल चोरी करते थे और बनारस में इसको बेचा जाता था। इसके पहले 3 बार लोग एंगल चोरी करके बेच चुके थे, इस बार भी इसी प्रयास में थे, और पुलिस की मुठभेड़ में इन्होंने पुलिस पर फायर भी किया था, जिसमें 5 तमंचे बरामद किए गए हैं और खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं काफ़ी भारी मात्रा में। साथ ही साथ
दो गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली है, एक पिकअप है जिसमें पूरा एंगल लदा हुआ था। इस प्रकार से करीब ये 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 16 क्विंटल बेचने का इनका व्यवस्थापन था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इंटरसेप्ट करके इनको पकड़ लिया है तथा विधिक कार्रवाई करते हुए इसमें अभियोग दर्ज जो मुठभेड़ की होती है अभियोग दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इनको विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई दसों मजदूरों के खिलाफ की जा रही है। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? इन्होंने स्वीकार किया है, हालांकि अभी ये चूंकि जस्ट का मामला आप जान रहे हैं कि तब पूरा पता किया जा रहा है। लखनऊ और बनारस में इनके आपराधिक इतिहास बताए जा रहे हैं, शाहजहांपुर में भी इनके आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, तो ये पता किया जा रहा है। अब तक एक अभियोग सामने आया है जिसमें ये लखनऊ में जेल गए हैं ऐसा संज्ञानित हुआ है,